थोड़ा ये डिफरेंट लगा। उन्होंने जो प्रोवाइड किया है आप देख सकते हैं इस टाइप का, ये उनका गेस्ट एरिया है, वेटिंग एरिया बोला जाता है उसको। 26 तारीख की मॉर्निंग पारे सिटी में, पूरा पहाड़ी इलाका है आजू बाजू, और यहाँ से मैं कोई ग्रुप को भेजूँगा यहाँ पे, तो आप देख लेना जितना डिस्काउंट विस्काउंट जो भी है अपनी तरफ से कर लेना। नेक्स्ट जनरेशन नो नो, इसी जनरेशन में आने का है। फोन सुनी, जस्ट चेक फॉर मी फर्स्ट, ओके स्कैनिंग। एंड ये है ड्रुक एयरलाइन का, एकदम डिसेंट लग रहा है, कोई भी रंग में ऐसा। आगे का जो एरिया होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है फिल्मिंग के लिए, तो यहाँ से आउट स्टिकर भी मिल रहा है कीड़े मकोड़े जैसा, लेकिन ये हर्बल है कुछ, इम्यूनिटी बूस्टर। ये रहा वो फ्लाइट। स्मोकिंग के लिए यहाँ इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि इसका मैं लूँगा एक मिल्क टी। इनका जो कॉफी का प्राइस है 240 है कैपिचिनो का, जो शुगर वगैरह के साथ आती है। एट पारो भूटान, यहाँ से मैं जाऊँगा नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26, होटल से मेरे को विदा लेने का टाइम आ गया है। ये सारा मैंने चाय कॉफ़ी दो तीन बार पी के, मेरे को थोड़ा ये डिफरेंट लगा। उन्होंने जो प्रोवाइड किया है आप देख सकते हैं इस टाइप का, हमने स्विच दिया था। ये तो अपने यहाँ भी होता है, इसमें खास बात ये है कि लास्ट सेक्शन में आपको USB भी दिया गया है। इस USB का मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि 3-4 गैजेट मैंने एक साथ ही रिचार्ज कर दिए, तो ऐसा गैजेट होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि इसमें मल्टी पिन है USB के साथ। यहाँ से मैंने 7 AM को ही चेकआउट किया है, उन्होंने मेरे को जो ब्रेकफास्ट है वो पैक करके दिया है। ये उनका गेस्ट एरिया है, वेटिंग एरिया बोला जाता है उसको। ये होटल जिस टाइप से बना है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम करके कुछ रेस्टोरेंट है, लकड़ी की बनावट की वजह से एकदम अच्छा लग रहा है। उनका जो भी रख रखाव है नंबर 1 रख रखाव है, तो उन्होंने गाटी बीटी सारा लगा हुआ है। यहाँ सोवेनियर भी है अगर खरीदना चाहते हैं, तो मैंने 1-2 ले लिया है सोवेनियर। और उनको करते हुए बाय बाय, मैंने सारा डॉक्यूमेंट भी मैंने स्टडी किया है, मेरा 10:30 बजे का फ्लाइट है, और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। ओके ओके बाय बाय। ये छोटी छोटी लड़कियाँ क्यों काम करती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका एजुकेशन डिस्कनेक्ट हुआ है। और ये रही हमारी 26 तारीख की मॉर्निंग पारे सिटी में, पूरा पहाड़ी इलाका है आजू बाजू, और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का मेरे को जाने का रास्ता है एयरपोर्ट के लिए। आ गया टाटा बाय बाय करने का टाइम, टेंजिन और अपने गाइड को। ये वर्ल्ड का थोड़ा सा डेंजरस एयरपोर्ट है, लेकिन सेफ जर्नी होने के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे को पता है, क्योंकि सेफ्टी का ख्याल वो भी रखते हैं। तो आगे जाके हम मिलेंगे, मैं कोई ग्रुप को भेजूंगा यहाँ पे, तो आप देख लेना जितना डिस्काउंट विस्काउंट जो भी है अपनी तरफ से कर लेना। ओके ओके। और कब आएगा इंडिया? फोन करेगा, ये कब आएगा इंडिया में, कब आएगा? नेक्स्ट जनरेशन में। कब? नेक्स्ट जनरेशन नो नो, इसी जनरेशन में आने का है। फोन सुलिंग आना है और निकल आना है। ओके बाय 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 बाय। और यहाँ पे सेफ्टी का इतना कंसर्न नहीं है, कुछ IDBD अभी तक देखा ही नहीं है उन्होंने, शायद हो सकता है कि ID दिखाना पड़ेगा। ओके ओके Maybe nothing. You just check for me first. Okay, scanning.
एंड ये है ड्रुक एयरलाइन का जो चेक इन गेट और अंदर का जो उनका आर्किटेक्चर है, कितना आर्किटेक्चर जो बनाया हुआ है एयरपोर्ट का, पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, एकदम डिसेंट लग रहा है, कोई भी रंग में झकलापन नहीं है, कुछ भी झकमक झकमक नहीं है। और ये इतने सारे गेट पे ये काम कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं 3 घंटा पहले पहुंचा था डर के मारे, क्योंकि इंटरनेशनल जब हम जाते हैं तो इंटरनेशनल जाने के लिए 2-3 घंटा आना पड़ता है। मीन्स हाँ सिंगल एंट्री वीज़ा, बिकॉज आई एम गोइंग देयर फर्स्ट टाइम। और यहाँ मेरे को जो बोर्डिंग पास मिला है, आगे का जो एरिया होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है फिल्मिंग के लिए। तो ये रहा उन एयरपोर्ट का अंदर का स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी मेरे को इमिग्रेशन लाइन में पहुँचना है, तो इमिग्रेशन के यहाँ थोड़ी सी पूछताछ होगी मेरी। उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दिया है और ढाका जाने का सारा वीज़ा चेक किया है, यहाँ से आउट स्टिकर भी मेरा मेरे पीछे था इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक में लिक्विड के लिए वो ज़्यादा देख रहे थे। लिक्विड जितना भी था उन्होंने सारा फेंक दिया, मेरा जूस था एक बचा हुआ ब्रेकफास्ट में, तो मैंने वहीं उनके सामने ही पी लिया उस जूस को। और ये छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन दुनिया का बहुत डेंजर एयरपोर्ट है, क्योंकि उसका जो रनवे है बहुत छोटा रनवे है। देखेंगे अभी, अलग टाइप के सोवेनियर्स शॉप्स है यहाँ पे, वेटिंग एरिया है। और यहाँ जो बूथनीस टाइप के जो इसेंस का शॉप है वो सारी अगरबत्तियाँ, और जो मैंने देखा अभी एक चीज़ वहाँ एक पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगी उसमें, तो ये दिख रहा है कीड़े मकोड़े जैसा, लेकिन ये हर्बल है कुछ, इम्यूनिटी बूस्टर है। मैंने मार्केट में भी कल देखा था 2-3 जगह। हाँ हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर 6,600 स्मॉल वन 6,600 यस ओके थैंक यू। ये 6,000 के करीब है। और ये रहा जड़ी बूटियों वाला शॉप जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भूटान इसेंस करके, फर्स्ट एंट्री गेट पे ही है। और मेरे को ढूंढना है, एयरपोर्ट के अंदर शांति है, ये डिफरेंट टाइप का माहौल लगा मेरे को। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही वो फ्लाइट है जिससे मैं पहुंचूंगा ढाका के लिए। और एकदम लग्जरियस वेटिंग एरिया है यहाँ का, जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ। ये रहा वो फ्लाइट, अभी दुकानें कुछ खुली भी नहीं है। और ये रहा दोहादारी करने का एरिया। वेटिंग एरिया बहुत अच्छे है इनके। और स्मोकिंग के लिए यहाँ इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आप स्मोकिंग अगर रोड पे सिगरेट करेंगे तो ये कुछ ठीक नहीं होगा, आपको पेनल्टी लग जाएंगी। इस टाइप के एयरपोर्ट के अंदर स्मोकिंग जोन बनाए हैं, यहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि इतना साफ सुथरा कंट्री है। और एयरपोर्ट के अंदर 3-4 ही दुकानें मेरे को मिली। और टुडे फेसली ब्रू 100-250 इस टाइप से दुकानें बनी हुई है। इंटरनल कैफे एरिया कितना अच्छा है देख सकते हैं। यहाँ मेरा फ्लाइट था, अभी कहाँ गया पता नहीं, इधर का फ्लाइट चला गया। मेरे को लगता है कॉफ़ी लेने का, कॉफ़ी विच कॉफ़ी वी हैव, विच कॉफ़ी एस्प्रेसो, एस्प्रेसो द शॉर्ट ऑफ कॉफी विथ समथिंग मिल्क और शुगर, हाँ कैपिचिनो, हाउ मच फॉर कैपिचिनो 240। इनका जो कॉफी का प्राइस है 240 है कैपिचिनो का, जो शुगर वगैरह के साथ आती है। और ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि ये नोट जो बचे हैं मेरे लिए, शायद टी अच्छा रहेगा मेरे लिए, इनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ के है। कुछ नोट बचे हुए हैं मेरे पास तो इसका मैं लूँगा एक मिल्क टी। yeah.
I want a milk tea. Yes, I want the prices. Internal milk tea. और बहुत सारा शुगर के साथ खड़ी है वो यहाँ तक तो सारा पूरा अच्छा प्रबंध हुआ है, लेकिन मेरे पास जो पैसा बचा है भूटान का उसका क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगता है ये ऐसे ही रखना पड़ेगा या सोविनर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक कॉफ़ी खत्म की है। अभी देखूंगा मेरे बजट में कुछ मिल रहा है क्या, 200-400 रुपये जो बचे हैं मेरे पास उसमें कुछ मिलता है क्या, देखना पड़ेगा। अभी अभी फ्लाइट लैंड हुआ है भूटान, रॉयल भूटान एयरलाइन का, शायद यही होने वाला जाने वाला फ्लाइट ढाका का। एयरपोर्ट के अंदर जितना भी गैलरी बिलरी है इतना डिसेंट बना हुआ है, देख के ही मन को सुकून आ रहा है। ये हैंडमेड है, ब्रश से बनाया गया है, ब्रश से। और ये रहा हमारा लास्ट एट पारो भूटान। यहाँ से मैं जाऊँगा ढाका के लिए, तो वहाँ तक का जितना भी आपके लिए अपडेट होता है मैं देता चला जाऊँगा। ये है रॉयल भूटान एयरलाइंस। एक्चुअल में ये जो एयरपोर्ट है ये दुनिया का नंबर वन डेंजरस एयरपोर्ट है, घाटी के बराबर बीच में बसा हुआ एयरपोर्ट है ये।